हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वैज्ञानिक लगातार चिंता जता रहे हैं, जिसकी वजह से अंटार्कटिका की बर्फ भी तेजी से पिघल रही है। अगर जल्द ही इसको काबू में नहीं किया गया तो दुनिया के कई बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को चेक करने के लिए वैज्ञानिक अंटार्कटिका में रिसर्च कर रहे थे। इस दौरान उनको एक छिपी हुई दुनिया का पता चला। पृथ्वी पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में अभी तक इंसान को पता भी नहीं है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी दूसरी दुनिया का पता लगाया। उस दुनिया से पहला वीडियो अब सामने आया है। माना जा रहा है कि इस खोज से अंटार्कटिका से जुड़े कई राज खुलेंगे। दरअसल न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे बह रही नदियों की खोज कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने करीब 500 मीटर नीचे तक ड्रिल किया, जिस पर उन्हें एक नए अंडर वाटर इकोसिस्टम का पता चला। वैसे तो ये खोज गलती से हुई, लेकिन इसमें कई चौंकाने वाली बातें पता चली। रिसर्चर क्रेग स्टीवंस के मुताबिक कैमरा जब 500 मीटर नीचे पहुंचा तो उनको कैमरे पर कुछ दिखा। शुरू में उन्हें लगा कि उनका लेंस गंदा हो गया है, जिस वजह से वो चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन जब उन्होंने फोकस किया तो वो हैरान रह गए। वहाँ पर छोटे छोटे जीव मंडरा रहे थे। कैमरा पहुँचते ही वो उस पर कूदने लगे। उन्हें करीब 5 मिलीमीटर आकार में ऑर्थोपोड का झुंड दिखा। अब शोधकर्ताओं ने इस घटना का पूरा वीडियो जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब कैमरा ड्रिल मशीन के साथ अंदर पहुँचा तो वहाँ पर बर्फ के नीचे पानी मिला, जिसमें कई छोटे झींगे जैसे जीवों के झुंडों को देखा गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिका का तापमान ठंडियों में -88 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि ये गर्मियों में -40 डिग्री के आसपास रहता है। वहीं ये इकोसिस्टम बर्फ की चादर से 500 मीटर नीचे मिला है। ऐसे में वहाँ के तापमान में इनका जिंदा रहना भी बड़ा रहस्य है। रिसर्चर्स के मुताबिक जीवों का जो झुंड मिला है, उसमें झींगा मछली, केकड़े, घुन के समान वंश के छोटे जीव शामिल हैं। अभी उन पर ज़्यादा शोध की ज़रूरत है। इस टीम में वेलिंगटन, ऑकलैंड और ओटागो के शोधकर्ता शामिल थे, जो अभी भी बर्फ के नीचे नदियों की तलाश कर रहे हैं। वहीं हाल ही में एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया कि अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें इतनी तेजी से पिघल रही हैं जो विनाशकारी परिणाम लाने के लिए काफ़ी हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर कहा है कि जो नया अनुमान लगाया जाता है वो कुछ दिनों बाद गलत साबित हो जाता है, और पुराने अनुमान की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है, जिस वजह से समुद्र के किनारे के कई शहर डूब सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको बाकी वीडियो की तरह पसंद आई होगी। अपना प्यार हम पर बनाए रखें और हम आपके लिए ऐसे ही रोचक फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।